2 दिसंबर 2021 को अखंडा नाम की एक तेलुगु फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म की फैक्ट और बिहाइंड द सीन एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इस मूवी में नंदामुरी बालकृष्ण ने डबल रोल निभाया है और उनका ही एक रूप अखंडा भी है। फिल्म की लीड एक्ट्रेस प्रज्ञा जायसवाल है और इस मूवी का डायरेक्शन किया है बोयापति श्रीनु जी ने। यह सीन मूवी के अम्मा सॉन्ग का है। यहाँ पर अखंडा को तपस्या करते हुए आप देख रहे हो एंड ये जो लोकेशन है वह एक रियल आउटडोर लोकेशन पर शूट किया गया था। इसके लिए नंदामुरी बालकृष्ण को घंटों नदी के किनारे खड़ा रहना पड़ा था एंड इसे छोटे से टेक के लिए जो आप यहाँ पर देख रहे हो। वहीं आप श्रीनु जी को इस टेक का डायरेक्शन देते हुए देख रहे हो। इसी लोकेशन पर यह सीन भी शूट किया गया है। यह उस समय का सीन है जब अखंडा स्नान करते हुए पानी में डुबकी लगाते हैं और जब बाहर आते हैं तो उसके हाथ में एक लड़की की लाश रहती है। उस लाश को छूते ही अखंडा समझ जाता है कि लड़की का शारीरिक शोषण हुआ है जो वरदराजुलु के द्वारा किया जाता है। वरदराजुलु फिल्म के मुख्य विलन है। इस रोल को श्रीकांत मेका ने किया है। इसके बाद वरदराजुलु के गुंडे अखंडा को मारने आते हैं। यह सीन भी इसी नदी के किनारे शूट किया गया है एंड यह लोकेशन बिल्कुल रियल है। यहाँ किसी भी प्रकार का विजुअल इफेक्ट्स आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया कि नंदामुरी बालकृष्णा ने फिल्म में डबल रोल किया है जिसमें दूसरा रोल अखंडा का है एंड पहला रोल एक समाज सेवी का है। इस सीन में नंदामुरी का पहला रोल गुंडों से लड़ाई करते हुए दिखाया गया है। यह सीन कुछ इस तरह से शूट किया गया था। आप यहां पर दो बुल को भी देख रहे हो। दरअसल यह जो बुल आप देख रहे हो वह रियल है। यहां किसी भी प्रकार का CGI इस्तेमाल नहीं हुआ है। हालांकि ये बुल शूटिंग के लिए बिल्कुल ट्रेंड किए गए थे। वैसे तो यह फिल्म तेलुगु भाषा में है लेकिन इसकी लोकप्रियता को देखते हुए इसे हिंदी में लाने की डिमांड जोरों शोरों से हो रही है। वैसे तो मैं मूवी का स्पॉइलर नहीं बनना चाहता हूं लेकिन इस वीडियो के लिए मैं आपको बता दूं कि वरदराजुलु इलाके का सबसे बड़ा डॉन यानी गुंडा कह लो वो रहता है। दुनिया के सामने वह कोयला का व्यापार करता है लेकिन असल में वह यूरेनियम माइनिंग करता है और उनका भी एक गॉडफादर है जो है बाबा जी। उनके पास काली शक्तियां भी है जिसके बदौलत वह किसी से भी मनचाहा काम करवा लेते हैं। यह बिहाइंड द सीन अडिगा सॉन्ग का है। इस गाने की शूटिंग आप यहां देख रहे हो। यह नंदमुरी बालकृष्णा और प्रज्ञा जायसवाल का सबसे खूबसूरत सॉन्ग है। इस प्यारे सॉन्ग को SP चरण और MLA श्रुति जी ने गाया है। यह बिहाइंड द सीन उस समय का है जब मुरली कृष्णा वरदराजुलु के माइनिंग में जाकर वहां पर लोगों को मारता है क्योंकि यूरेनियम की माइनिंग से आसपास के गांव प्रभावित हो रहे थे एंड इसकी रेडिएशन की वजह से लोग बीमार पड़ने लगे थे। यह एक्शन सीक्वेंस कुछ इस तरह से शूट किया गया है जो आप यहां पर देख रहे हो। इस सीन के बाद मुरली कृष्णा उनकी माइनिंग को ताला लगाकर चला जाता है लेकिन वरदराजुलु बाबा जी की मदद से मुरली कृष्णा को जेल भेज देता है जिसके बाद अखंडा यानी नंदामुरी बालकृष्णा का दूसरा रूप हमें मूवी में देखने को मिलता है। वरदराजुलु के गुंडे जब अखंडा को मारने उनकी गुफा में जाते हैं यह उसी समय का सीन है। वैसे इस सीन को VFX स्टूडियो में शूट किया गया था। आप डायरेक्टर श्रीमान जी को एक्शन सीक्वेंस समझाते हुए यहाँ देख रहे हो एंड यहाँ वह बता रहे हैं कि उन्हें किस तरह से त्रिशूल चलानी है। इस एक्शन सीक्वेंस में आप कुंड में लाश तैरते देखोगे मूवी में। एक्चुअली यहाँ कोई विजुअल इफेक्ट नहीं है बल्कि सचमुच के लोग थे लेकिन जिंदा। वरदराजुलु को मारने का यह सीन कुछ इस तरह से शूट किया गया था। आप देख रहे हो कि डायरेक्टर साहब उन्हें बता रहे हैं वरदराजुलु को मारने के बाद इस तरह से अखंडा अपने त्रिशूल को पोंछते हैं। वरदराजुलु के खत्म होने के बाद बम अखंडा नामक सॉन्ग चलता है जो इस मूवी का BGM है। इस सॉन्ग में अखंडा और भी कई करप्ट लोगों को ऊपर
भेज देता है जो कि आप इस मूवी में देखोगे। मूवी का क्लाइमेक्स शूट करना सबसे डिफिकल्ट था। यह लोकेशन रियल है। यहाँ अखंडा तपस्या कर रहा होता है, उसी समय दुष्ट बाबा गजेंद्र वहाँ आ जाता है जो इस मूवी का सबसे बड़ा विलन है। तमिलनाडु के अरुणाचलेश्वर टेंपल में मूवी का क्लाइमेक्स शूट हुआ है जो असल में एक मशहूर टेंपल है और यह शिव मंदिर है। मूवी का यह सबसे पावरफुल सीन है जिसे शूट करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था। इस सीन में अखंडा एक रथ के पहिए से दुश्मनों को मारते हैं, लेकिन ये जो रथ का पहिया है ना, वह फॉर्म का बना हुआ है जिससे कि शूट करने में आसानी हो सके। इस तरह पहिए से मारने के बाद अखंडा अपनी शक्तियों से उन्हें हवा में कुछ इस तरह से उछालते हैं। यही हमें अखंडा का शिव अवतार देखने को मिलता है। यह कमाल का सीन आपके दिलो दिमाग पर हावी हो सकता है, क्योंकि इतनी अच्छी विजुअल इफेक्ट्स आपने किसी बॉलीवुड फिल्म में तो यकीनन नहीं देखा होगा। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको KGF मूवी का बिहाइंड द सीन देखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।